आप सबका गोपाल राजू का नमन। देखिए, कोई परीक्षा, कोई एग्ज़ाम पास करना है, क्रैक करना है, तो दो चीज़ें एडवाइजेबल हैं। सबसे पहले तो अपना श्रम, अपनी मेहनत, और उसके बाद में कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी परीक्षा को क्रैक करना। अब अगर इसके बियॉन्ड जाते हैं तब देखिए प्रभु में आस्था, जो करना चाहिए अगर विश्वास करते हैं तो। और इसके अलावा फिर बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड्स हैं जिनको अगर ब्लेंड कर लिया जाता है सब चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं जो मेहनत है, जो आपका पुरुषार्थ है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो एक्सेलरेट हो जाता है, वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। देखिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने सहारा लिया पूजा पाठ का, जिन्होंने सहारा लिया छोटी छोटी चीज़ों का, अपने मेहनत उसके साथ। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, और इसके दर्जनों एग्जांपल मैं कोट कर सकता हूँ। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल जो एक मिरेकुलस चीज़ बताऊँ आपको, कि जो हमारा CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एक हमारा एक जहाँ प्रमोशन का सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है, फास्ट ट्रैक में आ जाते हैं, है ना। उसमें अगर मान लीजिए अप्राइजल अच्छा है, आपका परफॉर्मेंस अच्छी है, और बहुत सारी चीज़ें क्लब कर जाती हैं, तो क्या होता है, उसमें फास्ट ट्रैक में आ जाते हैं, यानी कि एक टाइमली एक टाइम होता है, एक पीरियोडिकली उसमें आपका प्रमोशन हो जाता है, प्रोवाइडेड आपके अदर कंडीशंस फुलफिल करती हैं। तो ये तो एक मैंने एक एग्जांपल बताया जो मुझे इसका लाभ मिला। वैसे दर्जनों लोग, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए मेरा भांजा, सगा भांजा है ना, वो उसने चीज़ें अडॉप्ट करी। खैर, वो एक बूस्टिंग वाली बात हो जाएगी। मेरा विश्वास इसमें होता है कि आपको बेनिफिट हो। तो अगर विश्वास है, आस्था है, अपनी मेहनत अपने श्रम के साथ। देखिए, अब क्योंकि दिन आ रहे हैं, UPSC की परीक्षा होंगी, MPSC की परीक्षा होंगी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की होंगी, बैंक्स की सर्विसेज हैं, आर्मी की सर्विसेज हैं, बहुत सारी बैंक, कहीं भी जहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक करने वाली बात है, परीक्षा में पास होने वाली बात है, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए इसको कर सकते हैं। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, और ये बता दूँ, ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ये कोई व्यवसाय के लिए नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर आस्था है, देखिए इनका अगर इफेक्ट हुआ ना, एटॉमिक इनका रिएक्शन होता है, आप इस ताज्जुब करेंगे, अचंभे में पड़ जाएंगे कि कैसे होने लगा। जहाँ पे बिल्कुल 100% रिफ्यूज़ल हो रहा था, 100% जहाँ पे फेलियर हो रहा था, वहाँ पे सक्सेस मिलने लगी। गणपति जी का शव मंत्र दे रहे हैं इस बार उत्तम नारायण पांडे जी, इसको भी अगर ब्लेंड कर लेते हैं आप अपनी मेहनत के साथ। और एक रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड नोटिफिकेशन बेल में जरूर क्लिक कर दें, ताकि बच्चे जो बेचारे परीक्षा में संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी कहीं एक थोड़ा सा एक कैटलिस्ट मिल जाए, जो उनकी मेहनत को, उनके कॉन्फिडेंस को, उनके भाग्य को थोड़ा सा बूस्टअप कर दे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना दी है शब्द मंत्रों की, बहुत सारे शब्द मंत्र वहाँ मिलते चले जाएंगे। अगर आप नीचे जाएंगे, क्लिक करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंगली आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देखिए, सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं इस शब्द मंत्र के विषय में। श्री सीताराम, गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। चल रही शब्द मंत्रों की श्रृंखला में आज भगवान गणेश का एक परीक्षाओं में सफलता प्रदायक शाबर मंत्र लेकर के प्रस्तुत हूं। किसी भी परीक्षा, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षाओं में, परीक्षाओं का समय अब निकट आ गया है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की, प्रांतीय शासनों की जो भर्तियां होती हैं, यानी स्टेट की जो PSC भर्ती है, बैंकों की सेवाएं हैं, सेना की है, पुलिस की है, विभिन्न प्रकार की जो भी भर्तियां हैं, जहां प्रतियोगिता है, जहां ऐसा कोई निश्चित मापदंड नहीं कि इतना अंक पा जाने से या इतना प्रतिशत पा जाने से आप सफल हो जाएंगे, जहां प्रतियोगिता है, और प्रतियोगिताएं भी तो आजकल गलाकाट प्रतियोगिता हो रही, स्पर्धा की तो कोई सीमा ही नहीं रही, तो जहां भी प्रतियोगिताओं की स्थिति है और जटिलता अधिक है, तो आप इस मंत्र का प्रयोग करके इसका लाभ ले सकते हैं। देखें, इस मंत्र का प्रयोग करें इसके पहले दो बातों का विशेष ध्यान रखें। अपनी पढ़ाई में किसी प्रकार की लापरवाही मंत्र के भरोसे न करें कि अब तो मैं मंत्र जपूंगा इसलिए पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, ये आपकी पूर्ण रूप से मूर्खता की श्रेणी में आएगा। तो अपनी पूरी तैयारी करें। इसके साथ ही साथ अगर संभव हो सके तो किसी भी विद्वान ज्योतिषी से अपने जन्मांग का एक विश्लेषण भी करवा लें कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की कितनी संभावना है,
और अगर कोई छोटी मोटी बाधा है तो उसके लिए क्या पूजा पाठ करें। ये दो काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका रास्ता और सुगम हो जाता है। इसके अतिरिक्त चूंकि गोपाल राजू जी ने जो कि मेरे गुरुवत आदरणीय है, पूर्व में परीक्षाओं में सफलता के लिए मानस की पंक्तियों का एक अद्भुत उपाय दिया हुआ है, आप उसको भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इसको किसी भी शुभ दिन से स्नान आदि से पवित्र होकर के अपने पूजन स्थल पर बैठ जाएं, माता सरस्वती श्री गणेश जी की उपलब्ध पूजन सामग्री से पूजा अर्चना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गणपति की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए जो भी पूजन सामग्री है उससे गणपति भगवान का पूजन अर्चन करें। एक दीप सामने जला लें और कंबल के आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला से जो शाबर मंत्र में बताऊंगा उसको एक माला प्रतिदिन तब तक जप करें जब तक कि आपकी परीक्षा के परिणाम ना जाए। आप प्रतिदिन एक माला जप करें। अगर आप एक माला जप करने में असमर्थ हैं तो कम से कम 27 बार तो प्रतिदिन इसका जप करें ही करें, लेकिन एक माला कर लेते हैं तो परिणाम और अच्छे आएंगे। जप करें और प्रतिदिन भगवान गणेश से अपनी परीक्षा में सफलता की प्रार्थना करें। प्रभु की कृपा से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मंत्र में बता दे रहा हूं, मंत्र है चले सवारी गणपति की साथ ले शारदा मैया संग है गोरखनाथ जी अमुक कारज सिद्ध करो न करो तो शंकर का कोप पड़ो। जहां अमुक कारज है वहां अपनी परीक्षा का नाम रखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप बैंक की कोई परीक्षा दे रहे तो बैंक की परीक्षा में सफलता सिद्ध करो ऐसा लिख के, मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रयत्नशील हैं तो वहां उस परीक्षा का नाम, कोई पुलिस की भर्ती है, कोई सेना की भर्ती है, जहां भी कुछ ऐसा है, या अगर आप प्राइवेट सेक्टर की भी कोई इंटरव्यू दे रहे तो उस विभाग का नाम लिखे, मतलब अमुक कार्य की जगह वहां उसका नाम भर दें तो सफलता बहुत अच्छी आएगी। ऐसा करें, आपको शुभकामना, आपको लाभ हो। सीता